कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मीट द सुपर हीरोज दैट वी हैव बिन वेटिंग हैव यू मीट दिस इज द सेगमेंट जो कि खास हमने आप लोगों के लिए बनाया दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल वे यू कैन कम एंड नॉट जस्ट टॉक बट इंटरैक्ट वर्क एंड लर्न फ्रॉम द सुपर हीरोज हुव चेंज देअर लाइफ विद वर्ड प्रेस वर्ल्ड प्रेस के सुपर हीरोज कौन है वर्ड प्रेस के सुपर हीरोज वो लोग हैं जिन्होंने वर्ड प्रेस को यूज करके सबसे पहले तो अपनी जिंदगी बदली उसके बाद उन्होंने अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी बदली एंड देन देर ट्राइंग टू चेंज द सोसाइटी एज अ होल ये वो लोग हैं जो कि अपने स्किल्स के जरिए पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव बना रहे हैं हम आपको क्यों मिलवा रहे हैं इन लोगों से वी आर मेकिंग यू मीट दीज पीपल सो यू कैन गेट इंस्पायर्ड सो यू कैन गेट मोटिवेटेड सो यू कैन लुक एट द बिगर ऑब्जेक्टिव एंड अचीव योर ड्रीम्स योर ऑब्जेक्टिव एंड बिकम सक्सेसफुल क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो आपके साथ पाकिस्तान भी सक्सेसफुल होगा सो so, इस सेगमेंट को आराम से सुनिएगा सोचिएगा और टाइम लगा के समझिएगा बिकॉज वी हैव ब्रॉड दी सुपर स्टार्स जस्ट फॉर यू पीपल हम स्पेशली आपसे मिलवाने इन लोगों को पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से लेके आए ताकि ये अपना टाइम निकालें और आपको सिखाएं कि कैसे वर्ड से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं कमिंग ऑन द टॉपिक आई हैव एनी विद अस विदे हु इज अ स्मार्ट वर्कर हूज बिन यूजिंग वर्ड प्रेस टू चेंज हर ओन लाइफ एंड द लाइफ ऑफ द पीपल अराउंड हर एनी फात्मा को बुलाने का हमारा मकसद है कि आप सीखें उनसे कि वर्ड में सिर्फ फील नहीं है वर्ड में सिर्फ ऑनटरप्रिनरशिप नहीं है इज अ थर्ड मेजर कैटेगरी कैसा लगे आज हमारे इस डी uh, के, के, के सेगमेंट में आने के लिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे इन्वाइट करने के लिए बहुत ही खुशी हुई मुझे यहाँ पे आके और ये मौका मिला कि मैं जो है अपने जो अगली नस्ल चल रही है जो स्टूडेंट हैं उनको मैं बता सकूँ कि किस तरह वर्ड प्रेस और ऑनलाइन मीडिया को यूज करके वो अपनी आगे जॉब्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं अपना करियर बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके ज़बरदस्त आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एनी हेयर आईव नोन हर सक्सेस स्टोरी आई है हर जर्नी सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रा हमारी ऑडियंस को जो आपसे सीखना चाहती है समझना चाहती है आपकी जर्नी को उसको ज़रा बताएं कि आपने अपना ऑनलाइन जर्नी कैसे और कहाँ से स्टार्ट किया अच्छा साथ ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है मुझसे कि मेरी जर्नी किस तरह शुरू हुई ऑनलाइन मार्केटिंग की तो बड़ी मज़े की बात है मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी कोई फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर की बात है और एक दिन मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठी भी थी और मेरे जहन में एकदम एक बड़ा एक फ़नी सा आइडिया आया कि मैं एक पेज नया तो नया ये फेसबुक पेजेस का ट्रेंड शुरू हुआ था तो मैंने एक पेज बनाया अटैकिंग द ट्रॉली एज सुन एज द गेस्ट लीव के नाम से अब आप सोचें कि आप कभी सोच सकते हैं कि इस किस्म के पेज पर कोई किसी किस्म की लाइक्स आएंगी या कुछ आएगी लेकिन होता यह है कि एक हफ़्ता गुजरा दूसरा हफ्ता गुजरा मैंने देखा कि पाँच सौ हज़ार दो हज़ार पाँच हज़ार हती के पच्चीस हजार तक मेरे फॉलोअर्स पहुँच गए और उस पर किसी और ये उस ज़माने की बात है कि जब किसी किस्म की कोई पेड़ प्रमोशन नहीं होती थी कोई पेड़ मार्केटिंग नहीं होती थी तो मुझे तब उस टाइम पे एहसास हुआ कि शायद जो मैं इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकॉम कर रही हूँ ये मेरा फील्ड नहीं है बल्कि मार्क जो ऑनलाइन मीडिया सोशल मीडिया और मार्केटिंग है ये एक ऐसी आ, आ, करियर आ, है जिसको मैं अगर लूँ तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहूँगी उसके फ़ौर बाद जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की तो आ, मेरे फ्रेंड्स का सर्कल था एक ब्लॉग स्टार्ट किया आ, मैंने जिसका नाम था सिजलिंग्स सिजलिंग्स के ऊपर मैंने ये किया कि सेलिब्रिटी ब्लॉग था वो सेलिब्रिटी के यू you नो know, डिफरेंट इवेंट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें में और वो सारे का सारा वर्ड प्रेस पर चलता था और ये वर्ड प्रेस मैंने कब यूज़ किया था ये आप कह सकते हैं दो हज़ार सात आठ की बात है कि जब बिल्कुल मैं खुद भी बहुत नई थी इन सब चीज़ों में तो जर्नी तो मेरी वहाँ से शुरू हुई उसके बाद जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री खत्म हुई तो मेरी जो पहली जॉब मुझे मिली वो सोशल मीडिया से रिलेटेड थी सोशल मीडिया एनालिस्ट की थी और वहाँ से शुरू करते करते फिर सोशल मीडिया एनालिस्ट से आगे मैंने ई e कॉमर्स के ऊपर काम किया मैंने ऐप्स के ऊपर काम किया मैंने डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और अगर आप सेक्टर्स वाइज पूछें तो मैंने रिटेल uh, ब्रांड से ले के, uh, उसके बाद बैंकिंग uh, से ले कर डिफरेंट ई कॉमर्स ब्रांड्स और इस तरह करके और अब मैं फ़िलहाल एक यूके की कंपनी के साथ काम कर रही हूँ जहाँ पे मैं उनकी अकाउंट डायरेक्टर हूँ द कंपनी इज़ कॉल्ड ब्रांड सेवन एट सिक्स एंड आई एम वर्किंग एज देयर अकाउंट डायरेक्टर ब्रांड एंड डिजिटल तो उनके एंड टू एंड जितनी भी सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज होती हैं डिजिटल मार्केटिंग की वर्ड प्रेस डिवेलपमेंट वेब डेवलपमेंट उन सब को मैं हेड कर रही हूँ मेरे un, मेरे जो अंडर है वो एक टीम काम कर रही है वर्ड प्रेस डिवेलपर्स की सॉफ्टवेयर्स की कॉन्टेंट राइटर्स की और सोशल मीडिया मैनेजर्स की तो ये मेरी जर्नी शुरू उस पेज से हुई थी और अब आज अलहमदिल्ला के मैं एक ग्लोबल कंपनी के साथ काम कर रही हूँ और दिस वॉज हाउ इट ऑल स्टार्टड एंड इट्स अमेजिंग टू सी कि यू you नो know, आपने जो भी स्किल्स सीखी ये सारी खुद सीखी एंड चूंकि ये कोर्स हमारा डीजी स्किल्स का है वर्ड uh, पे और हमारी ऑडियंस हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जो लोग हमारे साथ सीख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप वर्ड अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करती हैं बिल्कुंग. तो आई वॉन्ट टू नो बट मैं क्या हमारी ऑडियंस वॉन्ट्स टू नो The people who want to learn WordPress, the people who want to change their life with WordPress, ke entrepreneurship to तो hai freelancing bhi hai smart worker kya hota hai So before we answer the smart worker thing, I think it's important to see कि aap WordPress ko अपनी daily life में कैसे use करें। So उसके बारे में हमें थोड़ा बताइएगा। जी बिल्कुल साथ। तो जिस तरह आपने कहा साथ, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जो uh, किसी भी brand या company की जो uh, home base होती है ना online, वो website होती है। और जो उसका जो वेबसाइट की बैकबोन होती है ना वो होता है वर्ड तो अब मैं स्टूडेंट्स को इस चीज़ से एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जिस तरह जब हम कोई घर बनाते हैं हम घर बनाते हैं तो वो घर आप समझ लें कि वो वेबसाइट है वो घर तो बन गया लेकिन वर्ड क्या करता है और मैं क्या करती हूँ कि मुझे बना बनाया घर मिल जाता है अपने ब्रांड्स की अपने कंपनी की फॉर्म में वेबसाइट की फॉर्म में उसको मैंने आगे से फर्निश किस तरह करना है उसमें मैंने वॉल के कलर्स कौन से ऐड करने हैं मैंने उसमें डेकोरेशन किधर क्या करनी है ये सारी चीज़ें जो है ना ये मुझे वर्ड से पता लगती हैं तो वर्ड प्रेस इस तरह यूज़ करती हूँ कि मेरी जो टीम है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की वो मुझको वेबसाइट uh, बना के दे देते हैं और बैकेंड पे जो उनको मैनेज करना होता है कि अगर अगर मैं ई e कॉमर्स कर रही हूँ तो उसके ऊपर मैंने प्रोडक्ट डालना है उसकी मैंने यूज़र्स असाइन करने हैं मैंने उसके ऊपर उसकी कॉन्टेंट uh, ऐड करना है रिमूव करना है ये सब चीज़ें मैं वर्डप्रेस पे करती हूँ अगर मैंने वहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग चेक करनी है कि मेरे आज के दिन में कितने ऑर्डर आए ठीक है आज मेरी सेल्स लो हैं अगर मैंने ये देखना है कि uh, किस जगह से मुझे ज़्यादा ऑर्डर क्योंकि मेरा बाहर का यू uh, के का ब्रांड्स होते हैं तो मुझे देखना पड़ता है कि लंडन से ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ मानचेस्टर से आए या फिर किधर से तो वो सारी चीज़ें मुझे वर्ड से ही पता लगती हैं और उसके अलावा अगर मैंने डे टू डे कभी ये भी होता है देखें ये बहुत ज़रूरी है कि हम वर्ड प्रेस एज आ एज अ मार्केटर भी करें यूज़ क्योंकि अगर कभी मेरा डेवलपर ऑफ uh, है उसकी छुट्टी है वो नहीं काम कर सकता तो मैं बैठी नहीं रह सकती मुझे अपना ब्रांड चलाना है अपनी वेबसाइट uh, चलानी है तो उसके लिए मुझे डे टू डे ऑपरेशन सारे करने पड़ते हैं और देखने पड़ते हैं कि किस तरह क्या चीज़ जो है वेबसाइट पर और वर्ड प्रेस पर ऑपरेशनल चलेगी तो ये मेरा तरीकाकार है मैं uh, और ये सब चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं मुझे खुद से लर्न किया और इट्स वेरी इट्स इट्स वेरी वेरी अमेजिंग अमेजिंग टूल एंड यूजफुल टूल जबरदस्त और आपने बताया कि वर्ड पे आप इतना कुछ करती हैं आपने मुझे बताया कि आप वर्ड से अपनी रिपोर्ट्स भी मैनेज कर रही हैं आप वर्ड से ही अपनी सेल्स भी देख रही हैं आप वर्ड से ही यूजर्स को भी मैनेज कर रही हैं एंड ये वो फीचर्स हैं जो हमने अपने लर्नर्स को एक एक करके बार बार, बार बड़े डिटेल में बताई हैं बट दे आर क्यूरियस टू नो कि कौन सी फीचर है वर्ड की जो आपको पसंद है सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट कौन सी वर्ड की फीचर्स आपकी फेवरेट हैं जिनको आप रोजमर्रा यूज़ करती हैं अच्छा बहुत अच्छा सवाल है आपका वैसे तो मुझे वर्ड के बहुत ज्यादा फंक्शंस अच्छे लगते हैं एक मुझे प्लगन इंस्टॉल करना और अप टू डेट रखना मतलब मैं ये बहुत ज्यादा चेक करती हूँ कि अगर मेरा कोई प्लगन आउटडेटेड हो गया तो मैं उसको जल्दी से अपडेट कर लूँ क्योंकि वरना बहुत से फीचर्स और बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो रह जाती हैं अगर मैं प्लग अपडेट ना करूँ इसके अलावा यूजर्स को ऐड करना उनको अगर मैंने कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर किया है या मेरी टीम में कोई कॉन्टेंट का नया बंदा आया है तो वर्ड प्रेस बड़ी सहूलत है कि आप उनकी जॉब की नोयत के लिहाज से उनको एक्सेस दे सकें किसी को आप एडिटर की एक्सेस दे दें किसी को आप एडमिन की दे दें किसी को आप तो ये बहुत मेरे फेवरेट हैं उसके अलावा एम कंटेंट मार्केट ही तो मुझे कंटेंट डालना नए नए पेजेस बनाना ये तो अगर आप ये कहें कि कोई एक फीचर आपका फेवरेट तो वो बताना बहुत मुश्किल होगा मुझे वर्डप्रेस के बहुत ज्यादा फीचर्स पसंद है कंटेंट ऐड करना प्लग इन एड करना और इस तरह यूजर्स वगैरह ये जबरदस्त एंड वर्ड को वेब uh, की स्विस नाइफ भी कहा जाता है बिकॉज इट ऑफर सो मैनी फंक्शनैलिटीज बिल्कुल हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स uh, कुछ स्टूडेंट्स कुछ लर्नर्स डरते हैं वर्ड से क्यों डरते हैं उनको लगता है पता नहीं हम इसको इंस्टॉल करेंगे यूज करेंगे तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आपसे थोड़ी सी इस पर मैं सजेशन लेना चाहूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि उनको आप क्या बताना चाहेंगी कि आपने क्या जब वर्ड प्लस यूज़ करना सीखा था तो क्या आपको प्रोग्रामिंग आती थी ना मुझे प्रोग्रामिंग आती थी और ना मुझे प्रोग्रामिंग आने की ज़रूरत है आप व्हाट्सएप यूज़ करें आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं आप ट्विटर यूज़ करें अगर आपको ये सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करना आते हैं तो आप इजीली जाके और ये चीज़ें सीख सकते हैं उसमें किसी किस्म का आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग या किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी जरूरी नहीं है तो मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था प्रोग्रामिंग का कोडिंग का लेकिन उसके बावजूद मैं एक बहुत अच्छे तरीके से बहुत सालों से और बहुत सक्सेसफुली वर्ड यूज कर रही हूँ जबरदस्त और आपने टूल्स की बात की टूल्स आर एवरीवेयर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जमाना है चीज़ें चेंज हो रही हैं टेक्नोलॉजी आ रही है और जा रही है सो so, यहाँ पे एक लफ्ज है जो मैंने बड़ा एक नया लफ्ज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा एक नया कॉन्सेप्ट स्मार्ट वर्कर सो वी नॉट जस्ट लुकिंग एट वी जस्ट नॉट जस्ट लुकिंग एट वी लुकिंग एट स्मार्ट वर्कर्स आपके ख्याल में वट इज अ स्मार्ट वर्क हाउ डू यू मेक योर लाइफ स्मार्ट कौन कौन से टूल्स आप यूज करिए अपनी डेली लाइफ में उनके बारे में जरा बताइएगा बहुत अच्छा सवाल है देखिए ये जो अब आजकल का जमाना है ना ये ऑनलाइन मार्केटिंग का या ऑनलाइन या डिजिटल का इस पे अगर आप कहें ना कि मुझे सिर्फ मार्केटिंग uh, आती है या मुझे सिर्फ सेल्स आती है या मुझे सिर्फ किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ है तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते तो ये बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल पे अगर आप काम कर रहे हैं या वर्ड पे या वेबसाइट्स पर तो आपको बहुत मल्टीपल मल्टीपल प्लेटफॉर्म से अवेयर होना पड़ेगा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंपनी में uh, हम लोग ई मेल्स वग़ैरह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का जिसका नाम है एक्टिव को लैब एक्टिव क्लाब के ऊपर हमारी हर किस्म की टास्क क्रिएशन होती है टास्क मैनेजमेंट होती है उसके ऊपर हम अपनी टीम को टास्क असाइन करते हैं और ये सब कुछ अब मैं उनको रोज़ सुबह कॉल करके या ईमेल पे तो नहीं बताऊंगी कि ये आपका काम है तो इसलिए मैंने एक एप्लीकेशन जो है वो मैं यूज़ करती हूँ विच इज़ कॉल्ड मंडे उसके ऊपर रोज़ सुबह जो मेरी टीम है वो आके देखती है कि जी आज मेरे हिस्से में ये ये काम है और आज उसकी ड्यू डेट ये है इसका स्टेटस ये है और इसकी डिटेल्स ये हैं तो ये हो गया टीम से रिलेटेड उसके अलावा मैं गूगल एनालिटिक्स बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं ई e कॉमर्स ब्रांड और ऑनलाइन ब्रांड के साथ बहुत काम करती हूँ तो ये बहुत ज़रूरी है कि गूगल एनालिटिक्स यूज़ करना उस पर मुझे पता लगता है कि जी सेल्स से लेके वेबसाइट ट्रैफिक से लेके कर डेमोग्राफिक से लेके इंटरेस्ट से लेके कर एनी थिंग एंड एवरी थिंग जो कि ऑनलाइन हो सकती है एक ब्रांड से रिलेटेड वो एनालिटिक्स और जब तक आप डेटा नहीं देखेंगे आप अपनी अगली स्ट्रेटी नहीं बना सकते कि और बड़ी वर्ड के साथ अगर इसको कनेक्ट किया जाए गूगल एनालिटिक्स को तो बहुत आसान है सिर्फ़ एक प्लग इंस्टॉल करना होता है और आप वर्ड को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आपकी वर्ड का जितना भी डाटा है वो सारा गूगल एनालिटिक्स लिटिक्स शो होना शुरू हो जाता है इसके अलावा मैं बिज़नेस मैनेजर बहुत यूज़ करती हूँ फेसबुक पेजेस मैं यूज़ नहीं करती बिज़नेस मैनेजर इसलिए यूज़ करती, करती हूँ बहुत प्रोफेशनल है उसमें आप जो है हर किस्म के अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और आपके अंडर छः सात पेजेस हैं फेसबुक के और इंस्टाग्राम के तो वो आप बहुत एक प्रोफेशनल तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा मैं स्लैक यूज़ करती हूँ हमारी किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे नहीं होती तो व्हाट्सएप जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है हम लोग स्लैक यूज़ करते हैं फॉर ऑल द कम्युनिकेशन दैट हैपन्स विद इन द टीम तो ये सिर्फ कुछ टूल्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू यू नो सरवाइव इन दिस डिजिटल एज जबरदस्त जिस तरह के आपने देखा कि

जो हमसे सीखती है जिनसे हम सीखते हैं दीज आर यंग पीपल दीज आर हाउस वाइफ दीज आर यंग स्टूडेंट्स दीज आर यंग प्रोफेशनल्स दीज आर पीपल फ्राम ऑल अक्रॉस पाकिस्तान फ्रॉम कोटा टू कराची फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद वी हैव एन ऑडियंस विच इज स्प्रेड एंड इज वर्किंग टूगेदर टू मेक पाकिस्तान द नेक्स्ट जनरेशन डिशल इकोनॉमी इन लोगों के लिए ये जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं हमें इस वक्त देख रहे हैं इनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कैसे ये इन टूल्स को सीख के अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और इसके अलावा क्या आप इन्हें सजेस्ट करेंगी कि वट दे शुड बी डूइंग गोइंग फॉरवर्ड जी मैं बड़ा अच्छी आपने साथ बात की है मैं अपनी यूथ को ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोगों ने सबसे पहले तो ये करना है कि आप लोगों ने डिसिप्लिन रहना है डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन जो है इट विल टेक यू एनी वेयर डिसिप्लिन के साथ साथ आपको टाइम जो है ना वो बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि जी अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं और साथ कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती आ, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मैं ख़ुद भी पढ़ ही रही थी जब मैंने साथ, -साथ अपना जो है वो ब्लॉग स्टार्ट किया था और वो सब कुछ तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो टाइम भी बचता है वो आप इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली यूज़ करें उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें मैंने जितनी भी स्किल्स सीखी जिसमें डिजिटल मार्केटिंग आता है ई कॉमर्स आता है वर्ड प्रेस आता है सोशल मीडिया आता है आ, सेल्स आती हैं ये सब कुछ मैंने आ, ये नहीं कह सकते कि मेरे मेरा कोई मैंट या टीचर था जिसने मुझे एक एक उंगली पकड़ के बताई कि ये इस तरह करो वो उस तरह करो ये सब कुछ मैंने खुद सीखा है तो ये बहाना आप बिल्कुल अपने दिल से निकाल दें कि जी जो है जब तक मुझे कोई आके बताएगा नहीं तो मैं ये काम कर नहीं सकता ऑनलाइन जदीद दौर है हर चीज का सलूशन जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है हर चीज़ के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं तो बिल्कुल भी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि जब तक मुझे कोई सिखाने वाला नहीं होगा तो मैं सीख नहीं सकता और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोगों ने वेट नहीं करना बैठे नहीं रहना आइडल नहीं बैठे रहना कि जी अब जब तक तो मुझे कोई नौकरी मिलेगी नहीं बस एक दो जगह सी ड्रॉप कर दी और जब तक मुझे नौकरी मिलेगी नहीं तब तक तो बस मैं बैठा हुआ हूँ घर पर यह सबसे गलत अप्रोच है साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी यूथ ये चीज़ समझे कि के क्या कहते हैं उसको जब तक वो खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे खुद जा जा कर ये नहीं देखेंगे कि क्या चीज़ वो कर सकते हैं कि बेशक आप शुरू में फ्री वर्क करें यू डोंट हैव टू गेट अ पेड फॉरन से शुरू में आप वॉलेंटियर वर्क करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएं जो कि काम कर रही है लेकिन जब वो आपकी मेहनत और डेडिकेशन और आपकी प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो वो खुद ही आपको आगे से आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और अपॉर्चुनिटी कभी भी इस तरह नहीं मिलती कि आप बैठे हुए और आपको मिल जाएगी आपको उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको हाथ मोह मारने पड़ते हैं और फिर अगर आप फुल ऑनेस्टी और सेंसेरिटी के साथ भी कोई चीज़ करना चाहें तो वो ज़रूर आपको मिलती है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और ख़ास तौर पर बींग अ वुमेन आई वुड लाइक टू यू नो कन्वे अ स्पेशल मैसेज टू द फीमेल वर्ल्ड प्रेस सुपर ऑफ पाकिस्तान की जी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि जी अब मेरी शादी हो गई है तो बच्चे हो गए हैं तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती ठीक है ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें आज का जो जदीद दौर है अब आप तो आपके पास इतनी मिसालें मौजूद हैं कि घर बैठे खुवान अपने बिजनेसिस चला रही हैं पैसा कमा रही हैं इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ काम कर रही हैं तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना अगर आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है कोई और मसला मसाला है तो आप घर बैठे भी अपना करियर बना सकती हैं वर्ड प्रेस के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू तो बिल्कुल भी Uh, आप लोगों ने मायूस नहीं होना और दिल छोड़ के नहीं बैठना और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी जो फ्यूचर है वो ब्राइट है और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बहुत एम्बिशस uh, हैं और uh, ज़रूर कामयाब होंगे ज़बरदस्त सो so, हमने इन्हीं से आज क्या सीखा कि मायूसी कुफिर है डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लर्न अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट और इनके लिए अनफॉर्चुनेटली कोई मैंटन नहीं था जब ये सीख रही थी बट यू आर लकी आप हमारे एल एम एस से भी हमसे इन टच होके अपने क्वेश्चन कॉल या ई मेल पर पूछ सकते हैं वी नीड मोर सुपर हीरोज लाइक एनी वी नीड मोर सुपर हीरो पीपल लाइक यू हुई विद द स्किल्स दैट दे आर लर्निंग एंड स्पेशली विद हैव मोर सच सुपर हीरो विच यूल बी मीटिंग कीप लर्निंग कीप शाइनिंग एंड लेट्स वर्क टूगेदर टू मेक पाकिस्तान नंबर वन इन द डिशनल वर्ल्ड